तो हेलो एवरीवन गुड इवनिंग कैसे हो आप सभी लोग वेलकम टू गेट अंडर ट्वेंटी फोर आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एसेंट्रिक वोल्टेड कनेक्शन ठीक है मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि जो वोल्टेड कनेक्शन जो है टॉपिक इसमें से ये वाला जो टॉपिक है दैट इज एसेंट्रिक वोल्टेड कनेक्शन गेट पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना गेट में अगर क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से बहुत बार आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल लो अब वहां पे जाके देखिएगा कनेक्शन के अगर आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे तो यहां से ना भर भर के क्वेश्चन आए हुए बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आए हुए ये टॉपिक अगर आप लोग समझ गए तो बहुत ज्यादा आसान है नहीं समझोगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा ठीक है मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोग से क्वेश्चन वहां पर बन जाए इसमें आप लोगों को कंसेप्चुअल भी आप लोगों को चाहिए और थोड़ा सा फॉर्मुला भी आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिए तो मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन बहुत कोई भी क्वेश्चन इसमें से काफी अच्छे लेवल पर बन जाएगा ठीक है चलिए तो सबसे पहले अगर मैं एसेंट्रिक बोल्टेड कनेक्शन के बारे में बात करूँ तो इसका मीनिंग क्या उसके बारे में आप लोग यहां पर समझिएगा ठीक है जैसे कि आप यहाँ पर

तो अगर मुझे उनको ज्वाइन करना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग फास्टनर्स का यूज़ करेंगे या तो हम लोग रिवेटिंग करेंगे या तो हम लोग वहाँ पर बोल्डिंग करेंगे या फिर हम लोग वेल्डिंग करेंगे तो मैं दो डिफरेंट मेंबर्स को तो क्या कर सकता हूँ ज्वाइन कर सकता हूँ अब ये एसेंट्रिक कनेक्शन का मतलब क्या है जब भी आप लोग वर्ड सुनते हैं एसेंट्रिक या फिर कंसेंट्रिक तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास लोड से और जो मेंबर्स को हमने यहाँ पर ज्वाइन किया हुआ है या फिर जो भी आपके पास आपने मेंबर देखा होगा उसके सीजी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे अब यहां पर एसेंट्रिक बोल्टेड के बारे में बात किया मतलब हम यहां पर बोल्ट का जो है एक जो बोल्ट ग्रुप आप यहां पर देखोगे लेट्स सपोज जैसे कि एग्जांपल मैंने दिखाया यहां पर नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने है? चार तो यहां पर इस यह ये जो ग्रुप है बोल्ट ग्रुप जो है एस एस सी के लिए पढ़ सकते हैं देखो एस एस सी के लिए ऐसा नहीं है कि अलग से कुछ पढ़ना पड़ेगा आ, यहीं से आपके पास बेसिक क्वेश्चंस आ सकते हैं थियोटिकल क्वेश्चंस वहां पर आ सकते हैं मैं बोल रहा हूँ लेट सपोज आप देखिएगा कि ये बोल्ट ग्रुप है है ना बोल्टेड कनेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं मतलब यहां पर ध्यान दीजिए कि यहां पर मैं बोल्टेड कनेक्शन के बारे में बात करूं तो यहां पर आप देखिएगा टोटल है इनका सीजी कहां पर आ रहा है, इधर। ये, जो चारों जो है आ रहे? ये आ रहा है यहाँ पर है ना दिस इज दीजी दिस इज वॉट दिस इज दीजी अगर लोड है ना जो एक्सटर्नल लोड जो होता अगर वो इसके सीजी से ही पास कर रहा होता ठीक है एक्सटर्नल लोड अगर इसके सीजी से पास कर रहा होता तो हम उस टाइप के कनेक्शन को बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज कंसेंट्रिक वोल्टेड कनेक्शन ठीक है वैसे टाइप का कनेक्शन को हम बोलते हैं कंसेंट्रिक वोल्टेड कनेक्शन लेकिन आप यहां पर देखिए कि जो एक्सटर्नल लोड है वो सीजी से पास नहीं हो रहा सीजी का लाइन कौन सा है सीजी का लाइन हमारे पास ये वाला ये हमारे पास है सीजी का लाइन लेकिन जो हमारे पास लोड है लोड आप यहां पर देखेगा जो एक्सटर्नल जो लोड है वो कहां से पास हो रहा है वो इधर से पास हो रहा है मतलब पॉइंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो होगी वो हो रही है ये वाली ठीक है वो हो रही है ये वाली सी जी कहां पर है सी जी है यहां पर सी जी कहां पर है बोल्ट ग्रुप का बोल्ट ग्रुप का सीजी हमें देखना है एसेंट्रिक हम यहां पर बोल्टेड कनेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है तो हम सीजी किसका देखेंगे बोल्ट का देखेंगे तो यहां पर ये यह हो गया नंबर वन दिस इज नंबर टू दिस इज नंबर थ्री एंड दिस इज नंबर फोर तो ये जो चार बोल्ट का जो बोल्ट ग्रुप बना इसका आप सी जी आप देखेंगे तो दिस इज द दीजी This is the CG. लेकिन क्या, load CG नहीं यहाँ सीजी से बना इसको हम क्या बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज एसेंट्रिसिटी दिस इज कॉल्ड एज बॉर्ड दिस इज कॉल्ड एज एसेंट्रिसिटी ठीक है तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल लोड है वो जो पास हो रही है वो कुछ एक एसेंट्रिक डिस्टेंस से है ना कुछ यहाँ पर एक एसेंट्रिक डिस्टेंस ई से और e ई कौन से पॉइंट से फ्रॉम द सी जी ऑफ द बोल्ट ग्रुप से फ्रॉम द सी जी ऑफ द बोल्ट ग्रुप से ई e डिस्टेंस पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या हो रही है वहां से पास हो रही है तो वैसे टाइप के कनेक्शन को हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज एसेंट्रिक बोल्टेड कनेक्शन अगर यहाँ पर बोल्ट ग्रुप का जो सी जी है अगर मान लीजिए लोड यहीं से पास होती है अगर लोड जो है वो यहीं से पास हो रही होती है लेट सपोज अगर ये यह लोड यहीं से पास हो रही होती तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स किससे कोई इंसाइड हो रहा है इसके सीजी से तो हम बोलते हैं ऐसे टाइप का जो आ, ऐसे टाइप का जो कनेक्शन होता इसको हम बोलते हैं कंसेंट्रिक कंसेंट्रिक बोल्टेड कनेक्शन कंसेंट्रिक बोल्टेड कनेक्शन बट ये वाला केस है नहीं हमारे पास केस कौन सा है केस है यहाँ पर सी से कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर पे यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आपको देखने को मिल रहा है ठीक है जस्ट गिव मी अ मोमेंट यहाँ पर इससे थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं आ रही है जस्ट मुझे एक मिनट दीजिएगा मैं इसको दूसरे में ओपन करके देखता हूँ ये बार बार बंद हो जा रहा है बस एक सेकेंड रुकेगा इसी को मैं यहाँ पर कंपेयर करके दिखा रहा हूं आप लोग को ठीक है इसमें आप लोग को ज्यादा अच्छे सपोज ये हमारे पास एक और प्लेट है दिस इज वन मोर प्लेट एंड यहां पर मैंने इसको ज्वाइन किया हुआ है एक और प्लेट से ठीक है इसके अंदर मैंने यहां पर एक प्लेट और से यहां पर ज्वाइन किया हुआ ठीक है ये दो मेंबर आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं अब यहाँ पर समझिएगा ठीक है अब आप लोग यहाँ पर समझिएगा लेट सपोज मैं इसको कंपेयर हूँ ये वाले से ये जो बोल्ड ग्रुप आप यहाँ पर देख रहे हैं केस नंबर वन में है ना ये जो बोल्ड ग्रुप आप यहाँ पर देख रहे हैं दैट इज केस नंबर वन में इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं ठीक है इसके बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं ये जो पॉइंट आ रहा है दिस इज दीजी पॉइंट ये जो पॉइंट है दिस इज वॉट दिस इज दीजी पॉइंट अब आप यहां पर देखिएगा यहां पर देखिए ये जो सीजी जो है लेट सपोज अगर मैं बोल रहा हूं एक्सटर्नल लोड भी यहीं से पास हो रहा है ठीक है अगर मैं बोला एक्सटर्नल लोड जो है वो भी इसी पॉइंट से क्या हो रहा है हमारे पास पास हो रहा है ठीक है यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ एक्सटर्नल लोड भी इधर से ही पास हो रहा है ये आ गया हमारे पास दैट इज एक्सटर्नल लोड ये आ गया यहाँ पर एक्सटर्नल लोड तो अब यहाँ पर समझिए कि मीनिंग क्या बता रहा हूँ मैं ठीक है मीनिंग क्या बता रहा हूँ कि अगर एक्सटर्नल लोड अगर इसके सीजी से पास हो रहा है किसके सीजी से बोल्ड ग्रुप के सीजी से ठीक है अगर ये बोल्ड ग्रुप का ये सीजी तो है यहाँ से पास हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एस कंसेंट्रिक कंसेंट्रिक कनेक्शन इसको हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एस कंसेंट्रिक कंसेंट्रिक वोल्टेड कनेक्शन वोल्टेड कनेक्शन सेकेंड मैंने बोला यहां पर ये वाला जो है ये कौन सा आ रहा है दिस इज द एसेंट्रिक बोल्टेड कनेक्शन ठीक है ये वाला कौन सा दिस इज एसेंट्रिक बोल्टेड कनेक्शन यहां पर आप लोग तो देख पा रहे होंगे कुछ एसेंट्रिसिटी आपको यहां पर देखने को मिल रही है ये कुछ एसेंट्रिसिटी इसके सीजी से जहां तक लोड लग रहा है वहां तक ठीक है आपको डिस्टेंस देखने को मिल रही है ठीक है तो ये दो केसेस आप लोग को यहां पर देखने को मिले हम लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड है इसकी स्टडी करने में इसकी स्टडी करने में हम लोग यहाँ पर डिफरेंट यहां पर इंटरेस्टेड रहेंगे अब देखिएगा जब भी मैं एसेंट्रिक कनेक्शन के बारे में बात करूं जब भी अगर मैं यहाँ पर एसेंट्रिक एसेंट्रिक बोल्टेड कनेक्शन के बारे में बात करूंगा एसेंट्रिक बोल्टेड कनेक्शन के बारे में बात करूँ तो यहां पर आप लोग देखेगा दो टाइप के केसेस बनते हैं इसमें ठीक है इसमें आप लोग यहाँ पर देखेगा दो टाइप के केसेस बनेंगे वो दो टाइप के केसेस क्या क्या होते हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे लेवल पे ठीक है सबसे पहला केस आप यहाँ पर समझिएगा सबसे पहला केस जो होता है वो होता है दैट इज डायरेक्ट लोड वो होता है दैट इज डायरेक्ट लोड प्लस ट्विस्टिंग मोमेंट का ठीक है वो होता है डायरेक्ट लोड प्लस ट्विस्टिंग मोमेंट का सेकेंड आप यहां पर देखिए सेकेंड वाला जो केस है वो बनेगा यहां पर दैट इज डायरेक्ट लोड प्लस डायरेक्ट लोड प्लस बेंडिंग मोमेंट का डायरेक्ट लोड प्लस बेंडिंग मोमेंट का, ठीक है डायरेक्ट लोड प्लस बेंडिंग मोमेंट का आपको यहाँ पर केस देखने को मिलेगा अब आप बोलोगे सर कौन सा है गेट के लिए इंपॉर्टेंट करके मार्क कर लीजिए यहाँ से आप लोग देखिएगा काफी नंबर ऑफ टाइम्स है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे ना तो इस जगह से प्रीवियस ईयर वगैरह आप देखेगा सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे अगर आप लोग आज का लेक्चर बहुत ही अच्छे लेवल पे अटेंड करेंगे तो ठीक तो यहाँ पे डायरेक्ट लोड और ट्विस्टिंग मोमेंट का जो केस है वो कौन सा है यही वाला है ये जो मैंने यहाँ पर दिखाया ना यही वाला केस है ठीक है ये वाला जो केस मैंने आप लोग को यहाँ पर दिखाया यही केस है इसी को मैं क्या करूंगा थोड़ा सा और अच्छे लेवल पर आप लोग यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ फिर उसमें हम लोग लोड के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं ठीक तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लोड एंड ट्विस्टिंग मोमेंट का केस हम लोग यहाँ पर देखने के लिए जा रहे हैं दिस इज द फर्स्ट वन है ना फर्स्ट केस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बहुत ही अच्छे लेवल पे यहाँ पर सभी लोग देंगे तो मैं यहां पर आप लोग के साथ डायरेक्ट लोड और ट्विस्टिंग मूवमेंट का केस यहां पर मैं डिस्कस करने के लिए जा रहा हूं चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर वही केस बता रहा हूं लेकिन उसमें मैं आप लोग को अब लोड का भी आप लोग को डिफॉर्मेशन लोड का भी आप लोग को यहां पर डिस्कस करके बताऊंगा कि कैसे हमें लोड को कंसिडर करना है इस केस में ठीक है लेट सपोज ये हमारे पास दिस इज द फर्स्ट प्लेट है ना ये हमारे पास फर्स्ट प्लेट है और यहां से मैं सेकेंड प्लेट को लेके चल रहा हूं ये जो आ रहा है दिस इज द सेकेंड सेकेंड प्लेट ये आ गया दिस इज द सेकेंड प्लेट ये फर्स्ट प्लेट था और ये आ गया हमारे पास सेकेंड प्लेट ठीक है सभी लोगों को दिख रहा होगा अभी बहुत बढ़िया अभी जो फर्स्ट प्लेट और जो सेकंड प्लेट आप यहाँ पर देख रहे हैं तो बेसिकली ये है क्या लेट सपोज कोई सभी एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग यहाँ पर है ना कोई सभी आप लोग यहाँ पर एग्जांपल ले ले सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को तीनों व्यू बना के दिखाऊ तो पहला व्यू आप यहाँ पर इस वे से देखिए टॉप व्यू आप लोग को बना के दिखा रहा हूँ टॉप व्यू मैं यहाँ पर आप लोग को बना के दिखाता हूँ ऐसा क्यों आ रहा है ये आ गया हमारे पास स्टॉप यू ठीक है ये आ गया हमारे पास दैट इज स्टॉप यू अब आप इसमें देखिए अब ये देखो ये बोल्ट है ठीक है ये क्या है हमारे पास दिस इज द बोल्ट मैं यहां पर ये बोल्टिंग मैंने यहां पर किया हुआ है ठीक है यहां पर मैंने बोल्टिंग की हुई है ये जो दो प्लेट्स हैं इसको मैंने यहां पर बोल्टिंग की हुई है और ये कौन सा व्यू है दिस इज द टॉप व्यू इसको आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए मैं बता रहा हूं दिस इज वर्ट दिस इज द टॉप व्यू ये आ रहा है हमारे पास दैट इज टॉप व्यू तो टॉप व्यू में आप लोग यहाँ पर समझ रहे हैं कुछ इस वे से इस वे से आप लोग यहाँ पर समझ रहे हैं टॉप व्यू कैसे सर देख रहे हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि कि सपोज मैं बोल रहा हूं कि एक आ, आई सेक्शन है आप लोग अपने घर के सामने वाला आ, इलेक्ट्रिक पोल आप लोग पर ध्यान दीजिए कि एक आई सेक्शन है वो कैसा हमारे पास वो ऊपर की तरफ यहाँ पर वर्टिकली खड़ा हुआ है तो अगर मैं उस आई वो खंबे को अगर मैं ऊपर से देखूंगा ठीक है ऊपर से अगर मैं देख रहा हूँ नीचे की तरफ तो मुझे उसका क्रॉस सेक्शन दिखेगा तो उस आई सेक्शन का मुझे क्या दिख रहा है यहां पर क्रॉस सेक्शन दिख रहा है तो वो कैसे हमारे पास दैट इज आई शेप का ठीक है मैंने फिर से बता रहा हूं आप लोग को कि आप कोई भी एक मेंबर ले लीजिए कि वो एक वो एक एक आई सेक्शन है 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 आपके आपके पास पास बहुत लंबा आपके पास क्या दैट इज वर्टिकली स्टैंड हमने वहां पर किया हुआ फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक पोल हो गया या फिर कुछ भी कोई भी आपके पास स्ट्रक्चर का एक मेंबर है वो ठीक है उसको हमने क्या किया वर्टिकली हमने खड़ा किया हुआ है ठीक अब उस वर्टिकल मेंबर को अगर मैं ऊपर से जाके ऐसे देखा ठीक है ऊपर से जाके अगर, अगर मैं देख रहा हूं उसका टॉप व्यू अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे क्या दिखेगा मुझे ये नहीं दिखेगा कितने हाइट पे खड़ा है मुझे यहाँ पर ये दिखेगा उसका क्रॉस सेक्शन कौन सी शेप का है

तो टॉप व्यू से टॉप व्यू से कैसा दिखा मुझे एक आई सेक्शन दिखा उस चाँगा. आई सेक्शन से मैंने दूसरे मेंबर को क्या किया कनेक्ट किया हुआ है किसकी हेल्प से कनेक्ट किया हुआ है मैंने पर की हेल्प से कनेक्ट किया हुआ है ठीक है मैंने पर बोल्ड की हेल्प से कनेक्ट किया हुआ तो ये था हमारे पास दैट इज टॉप व्यू अब इसी टॉप व्यू का इसी टॉप व्यू का अगर मैं आप लोग को यहाँ पर साइड व्यू दिखाऊँ ठीक है इसी टॉप व्यू को अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर साइड व्यू दिखाऊं देखो आप यहाँ पर बहुत ही पर हाँ, बहुत ज्यादा बड़ा मेंबर आप लोग कंसीडर मत करिए वो सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा था कि आई सेक्शन दिखेगा कैसे ठीक है अब मैं बोला हूँ ये वाला जो सेक्शन जो है ये जो सेक्शन आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो सेक्शन आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं इसी का मीनिंग आप यहाँ पर समझिएगा कि अगर मैं इसको इस वे से देखूँ है ना साइड व्यू अगर मैं देख रहा हूँ अगर मैं यहाँ से देखूँ तो बॉटम हमारे पास जो फ्लैंज है वो दिखेगा एक बॉटम फ्लैंज जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो ये आ गया दैट इज बॉटम फ्लैंज ठीक है ये वाला जो बॉटम फ्लैंज है उसको मैं यहाँ पर देख रहा हूँ और उसी के साथ क्या कनेक्टेड है एक दूसरा मेंबर यहाँ पर कनेक्टेड है उसी के साथ आप यहाँ पर देखेंगे तो एक दूसरा मेंबर यहाँ पर कनेक्टेड है दूसरी प्लेट यहाँ पर कनेक्टेड है ठीक है तो ये कुछ इस वे से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा देखो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना इसके लिए इसके लिए यहाँ पर समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वरना आप लोग को चीज़ें समझ में नहीं आएगी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर क्लियर नहीं बैठेगी अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आया तो ठीक है इसको आप लोग यहाँ पर काफी अच्छे लेवल पे समझी तो मैं फिर से बता रहा हूँ आप लोग को ये मैंने क्या बनाया था ये मैंने बनाया था दैट इज टॉप व्यू ये मैंने क्या किया था ये मैंने यहाँ पर टॉप व्यू बनाया था अब टॉप व्यू में एक आई सेक्शन है तो आई सेक्शन ऊपर से कैसे दिखेगा ऊपर से मुझे एक आई का शेप का ही दिखेगा उसका क्रॉस सेक्शन दिखेगा अब वो क्रॉस सेक्शन के साथ जो बॉटम फ्लैंज जो है जो बॉटम फ्लैंज है उसके साथ मैंने एक दूसरा मेंबर को क्या यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है अब ये बॉटम फ्लैंज और दूसरे मेंबर को अगर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ तो किसके हेल्प से कनेक्ट कर रहा हूँ अब इसको मैंने यहां से देखा। अब इसको मैं क्या व्यू अगर देखूंगा तो यहां से अगर मैं देखा, तो सबसे पहले क्या दिखा मुझे ये वाला नंबर टू दिखेगा तो सबसे पहले मुझे ये वाला दिखा। वो किसके साथ कनेक्टेड है तो वो लोअर बॉटम फ्लैंज के साथ कनेक्टेड है तो ये क्या है दिस इज द बॉटम फ्लैंज ये क्या है

तो ये कुछ इस वे से देखने को मिल रहा है ये जो चार बोल्ट हैं, वो आप लोग को कुछ इस वे से देखने को मिलेंगे ये जो चार बोल्ट हैं, वो आप लोग को यहां पर कुछ इस वे से देखने को मिलेंगे ठीक है ये पहला बोल्ट है दिस इज द फर्स्ट बोल्ट ये पहला बोल्ट है ये हमारे पास आ गया दूसरा बोल्ट दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ ठीक है अब इसी के नीचे अगर आप देखेंगे तो और भी नंबर ऑफ बोल्ट हो सकते हैं पर इसी के नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर और भी नंबर ऑफ बोल्ड आपको देखने को मिल सकते हैं और भी नंबर ऑफ बोल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं ठीक है थीके? और भी नंबर ऑफ बोल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं तो ये आ गया हमारे पास क्या दिस इज द मैंने फ्रंट व्यू आप लोग को बना के दिखाया ये क्या आ गया दिस इज द फ्रंट व्यू मैं आप लोग को यहाँ पर बना के दिखाऊँ ये आ गया हमारे पास दैट इज फ्रंट व्यू एंड दिस वॉज वॉट दिस वॉज द टॉप व्यू ये क्या था दिस वॉज द टॉप व्यू तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू मैंने यहां पर बना दिया आप साइड व्यू भी देख लो अगर आप लोग चाहते हैं देखना ठीक है अगर आप लोग को साइड व्यू भी देखना है तो उसके बारे में भी हम लोग यहां पर डिस्कस कर सकते हैं तो साइड व्यू कैसा रहेगा साइड व्यू के बारे में बात कर लेते हैं तो थोड़ा सा यहां पर जगह बनाते हैं इनके लिए ये है दिस इज द टॉप व्यू अब आप साइड व्यू देखिए तो साइड व्यू मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ ठीक है अब मैं यहां से देखूंगा तो मुझे क्या मिलेगी इसकी प्रॉपर हाइट मिल जाएगी अब मुझे यहाँ पर इसकी प्रॉपर क्या मिल जाएगी हाइट मिल जाएगी इस हाई सेक्शन की तो यहाँ पर ये जो आया दिस इज वर्ड दिस इज द मैं यहाँ पर इसकी हाइट बना सकता हूँ लेकिन अब ये कितना भी हाइट होगा तो मैं क्या करूंगा बहुत ज्यादा इसको एक्सटेंड नहीं कर रहा हूं ठीक है तो मैं बोल रहा हूँ इसके ऊपर ये कंटिन्यूड है इसके ऊपर ये क्या है हमारे पास कंटिन्यूड है तो ये हमें हाइट मिल रही है अब आप देखिएगा साइड में साइड में यहां पर फ्लैंजेस है साइड में आप यहां पर, पर देखिए तो आप लोग को यहां पर फ्लैंजेस देखने को मिलेंगे तो मैं उसको कुछ इस वजह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि ये आ गया हमारे पास एक फ्लैंज ये आ गया हमारे पास एक फ्लैंज और ये आ गया दिस इज दूसरा फ्लैंज ठीक है अब आप देखिएगा ये क्या है दिस इज द वेब है ना अगर मैं साइड से देख रहा हूँ साइड से देख रहा हूँ तो ये आ गया वेब तो बीच में आ गया वेब ये साइड के लेफ्ट में क्या आ गया दिस इज द टॉप फ्लैच दिस इज वॉट दिस इज द टॉप फ्लैच इसको मैं यहाँ पर एक से डिनोट कर रहा हूँ और इसके राइट साइड में देखिएगा तो ये भी एक क्या है दिस इज ऑल्सो फ्लैच मैं बोल रहा हूँ ये क्या है दिस इज तो ये आ गया हमारे पास आव, आई सेक्शन का तो टोटल हमारे पास क्या गया? Is, आ गया दैट इज साइड व्यू आ गया ठीक है इसको समझना अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कॉम्प्लिकेटेड है ये चीज एकदम इजीली आप लोग को समझ में नहीं आएगा ये चीज़ एकदम इजीली आप लोग को यहाँ पर समझ में नहीं आएगी इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है तभी आप लोग की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर अच्छे लेवल पर बैठेगी वरना नहीं बैठेगी एंड बोर्ड में इसको पढ़ाना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है इसकी फोटोज भी आपको ईजिली नहीं मिलती है गूगल्स वगैरह में ठीक है तो इसलिए मैं जो भी चीज़ बता रहा हूँ उसको एकदम अच्छे लेवल पे विजुलाइज करिए कोई भी चीज़ें अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रही है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी ठीक है यू कैन आस्क मी डेफिनेटली चलिए तो ये आ गया हमारे पास साइड में देखा तो मुझे ये वेब दिखा बीच में इसके लेफ्ट हैंड साइड में मुझे एक फ्लैंज दिखी ये लेफ्ट हैंड साइड में साइड से अगर मैं राइट में देख रहा हूं तो दूसरी फ्लैंज मिली तो मैंने यहां पर ये दूसरी फ्लैंज को भी शो कर दिया यहां से मैंने दूसरी फ्लैंज को भी शो कर दिया ठीक है यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है आई होप यहां तक सभी लोग को क्लियर होगा तो ये मैंने यहां तक शो कर दिया अब मैं बोल रहा हूं कि जो राइट वाला जो फ्लैंज है उसी के साइड में आप देखेंगे तो एक प्लेट यहां पर लगी हुई है ठीक है उसी के साइड में आप यहाँ पर देखेंगे तो एक प्लेट आपको यहां पर लगी हुई नजर आ रही है तो लेट सपोज अगर मैंने यहां पर एक प्लेट को लगा दिया ठीक है वो प्लेट का प्लेट का जो यहां से आपको हाइट मिल रही है वो फ्रंट व्यू में भी शो हो रही है ठीक है तो मैंने यहाँ पर ऐसा लगा दिया ये यह मैंने यहां पर इसको इस वे से लगा दिया अब हमें करना है क्या है अब हमें यहाँ पर बोल्टिंग करनी है अब हमें क्या करना है यहां पर इसमें बोल्टिंग हमें यहाँ पर करनी रहेगी तो मैंने यहां पर ये बोल्ट्स को भी लगा दिए मैंने यहां पर इसमें बोल्ट्स को भी लगा दिए ठीक है तो ये मैंने यहां पर ये बोल्टिंग मैंने यहां पर कर दी इसमें से मैंने यहां पर इसमें बोल्टिंग कर दी वजह से ये क्या है दिस इज द साइड व्यू ये क्या है दिस इज द साइड व्यू ठीक है तो आई होप अब आप लोग को सारी चीजें समझ में आ रही होगी एक बार इसको मैं लास्ट टाइम तीनों डायग्राम को एक साथ समझा भी दूंगा तो और अच्छे लेवल पे समझ में आ जाएगा आप सभी लोग को ठीक है चलिए तो ये तीन डायग्राम के मैंने आप लोग को डिफरेंट डिफरेंट क्या बताया डिफरेंट डिफरेंट मैंने आप लोग को यहां पर समझाया कि इसका जो व्यू है वो आप लोग कैसे देखेंगे ठीक है ये तीनों डायग्राम के डिफरेंट डिफरेंट व्यूज मैंने आप लोग को समझाए इसको अगर आप लोग नोट डाउन कर लेंगे ना तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ ये वाला चैप्टर आप लोग बहुत अच्छे लेवल पर फिनिश हो जाएगा लेकिन बस इसी को समझना इंपॉर्टेंट है आप लोग को बस यही समझना इंपॉर्टेंट है कि ये तीन व्यूज है क्या क्या एक बार फिर से मैं सारी चीजें रिपीट करता हूँ ठीक है एक बार फिर से मैं यहाँ पर सारी चीजें रिपीट करता हूँ देखो हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हम लोग यहां पर कर क्या रहे हैं इसमें वापस आऊंगा मैं सबसे पहले हमने समझा यहाँ पर कि आपके पास जब भी बोल्ट का ग्रुप है तो उसका कोई ना कोई सीजी होगा उस ग्रुप का है ना अब ये बोल्ड का ग्रुप अगर मान लीजिए सिमेट्रिक नहीं भी होता तो भी कहीं ना कहीं पर एक सीजी तो आपको देखने को मिलता ही मिलता ठीक लेकिन हमेशा याद रखिएगा इसी वे से आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन में जिसका सीजी आप लोग को एकदम देख के समझ में आ जाए कि कहाँ पर लाई कर रहे हैं अब मैंने बोला ये ये जो बोल्ड ग्रुप का जो सी है अगर इस सी से पास कर रहे हैं क्या दैट इज एक्सटर्नल लोड हम जो भी लोड लगा रहे हैं वो बोल्ड ग्रुप के सी से पास हो रहा है तो उस टाइप के कनेक्शन को हम क्या बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज कंसेंट्रिक कनेक्शन

तो ये वाले लोड जो है इसका लाइन ऑफ एक्शन से ये बोल्ड ग्रुप का सी जी है वहां तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं दैट दैट इज इज कॉल्ड कॉल्ड एज एज एसेंट्रिसिटी एसेंट्रिसिटी तो यहां पर जो एसेंट्रिक डिस्टेंस या फिर एसेंट्रिसिटी आप बोलोगे तो उसको मैंने यहां पर ई e से रिप्रेजेंट किया हुआ सर ऐसा कनेक्शन कैसे आपको देखने को मिलेगा कुछ एग्जाम्पल बताइए तो वही एग्जाम्पल मैंने यहां पर शो किया हुआ ठीक है वो एग्जाम्पल मैंने यहां पर शो किया हुआ है लेट सपोज आपने कोई भी एक बीम मैंने आप लोगों को बताया था कि बीम जो होती है एक जो बीम है कोई सी बीम उठा लीजिए आईएस आई एस एल बी आई एस एच बी कोई सी बीम आप लोग उठा लीजिए तो मैं बोल रहा हूं जो बीम जो है वो बीम को अगर हमने वर्टिकली क्या किया खड़ा कर दिया उस बीम को हमने वर्टिकली खड़ा कर दिया तो मैं ये बोल रहा हूं इसके साइड में क्या होगा एक फ्लैंज पोर्शन होगा इसके साइड में क्या होगा एक और फ्लैंज पोर्शन होगा ठीक है अब ये आई सेक्शन से मैंने दूसरी एक मेंबर को एक प्लेट को मैंने कनेक्ट किया हेल्प ऑफ द हेल्प ऑफ यहां पर बोल्ट्स ठीक है अब इसी चीज को अगर मैं ऊपर से देख रहा हूँ ये क्या है साइड व्यू अगर मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो ये वाला जो हमारे पास आई सेक्शन जो है अगर मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ तो कैसा दिखेगा मुझे ऊपर से देखने को मिलेगा दिस इज नॉट द फ्रंट व्यू है ना ये फ्रंट व्यू नहीं है ये हमारे पास क्या है दिस इज द साइड व्यू अगर आप इसका व्यू अगर बनाओगे तो ऊपर से कैसा देखने को मिलेगा ऊपर से ये कुछ इस वे से देखने को मिलेगा अगर आपको आपको लग रहा है ये फ्रंट व्यू है तब उसके इसमें ऊपर से अगर आप देखोगे तो आई सेक्शन आपको इस वे से देखने को मिलेगा ठीक है आई सेक्शन आपको इस वजह से देखने को मिलेगा कोई ये भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये साइड व्यू है ठीक है ये साइड व्यू है तो इसको अगर आप साइड से अगर आप देख रहे हो तो ये जो टॉप व्यू जो बनेगा वो कैसा बन रहा है वो बन रहा है हमारे पास इस शेप का आई सेक्शन बीच में वेब ऊपर फ्लैंज नीचे फ्लैंज और ये मेंबर हमने यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ दूसरे से और इसको हमने दोनों को ज्वाइन किया किससे बोल्ट से अगर मैं इसका फ्रंट व्यू बनाऊंगा तो फ्रंट व्यू में कैसे देखने को मिलेगा इस टॉप व्यू के लिए अगर मैं यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ दिस इज द फ्रंट व्यू तो हमें सबसे पहले ये वाला मेंबर तो तो मतलब भी समझ सकते हो कि जो आई सेक्शन है ये पीछे जाके यहाँ पर इसका क्या होगा टॉप फ्लैंज होगा यहाँ पर क्या होगा दैट इज टॉप फ्लैंज होगा लेकिन उतना आप लोग को यहाँ पर डिटेलिंग में नहीं जाना है ठीक मैं रहा हूँ दिस इज द बॉटम फ्लैंज ये वाले प्लेट को मैंने इसके सामने रखा और अब यहाँ पर ये जो बोल्ट्स है अब यहाँ पर ये जो बोल्ड्स है इनका अगर मैं फ्रंट व्यू देख रहा हूँ तो इनका बोल्ड्स का मुझे क्रॉस सेक्शन दिखेगा तो बोल्ड्स का मुझे यहाँ पर यह ये सर्कल 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 यहाँ पर दिख रहा है तो ये तीन व्यू आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं तो इसको अगर आप लोग ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं ठीक है इसको आप लोग यहाँ पर ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं ठीक है मोमेंट शेयर दोनों के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सुमित है ना दोनों के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पर बात करेंगे डन यहां तक चलिए अब इसी को मैं यहां पर क्या करो एक्सप्लेन तो पर, पर समझ में आ गया होगा अब इसमें आगे बढ़ते अब मैं बोल रहा हूं लेट सपोज लेट सपोज मैंने यहां पर क्या किया मैंने यहां पर bolts लिए ठीक है ठीके? Let's सपोज मैंने यहां पर क्या किया That इज हमने बोल्ट ले लिए ये हमारे पास एक बोल्ट आ गया ये आ गया हमारे पास दूसरा ये आ गया हमारे पास तीसरा और दिस इज चौथा बोल्ट आ गया ठीक है ये चार बोल्ट आपने यहाँ पर देखा ये क्या है दिस बीम का हमारे पास बॉटम फ्लैन है दिस इज मेंबर नंबर टू ये कुछ भी हो सकता है प्लेट्स हो सकता है ब्रैकेट्स हो सकते हैं कुछ भी हो सकता है अब यहाँ पर जो लोड लग रहा है वो कुछ इस वजह से लग रहा है अब यहाँ पर जो लोड लग रहा है वो आपको देखने को मिलेगा कुछ इस वजह से आपको देखने को मिल रहा है ठीक है So, ये लगा एक्सटर्नल लोड दैट इज पी का इसका सीजी कहां पर आ रहा है सीजी आ रहा है इधर सी जी कहां पर है सीजी रहा है का यहां पर ठीक है सीजी आ गया तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई ये डिस्टेंस हो गई दिस इज एसेंट्रिसिटी दैट इज ई ये हो हमारे कितनी? Is, e के आप लोग को बना के दिखा दिया ठीक है अब हमें करना क्या है आप यहाँ पर यह चीज समझिए कि आ, मैंने आप लोगों को बताया कि डायरेक्ट लोड और ट्विस्टिंग मोमेंट का केस है डायरेक्ट लोड और ट्विस्टिंग मोमेंट का केस क्यों हो रहा है उसके बारे में यहाँ पर आप लोग डिस्कस करते हैं तो ये जो लोड लग रही है आपने देखा इसका वो लाइन ऑफ एक्शन नीचे जा रहा है यहां से लेकर इसके सीजी तक की डिस्टेंस कितनी हो गई दैट इज एसेंट्रिक एसेंट्रिसिटी ई अब ये जो बोल्ट जो है ये बोल्ट पीछे की साइड जा रहा है ऐसा ये जो बोल्ट है ये भी आपके पास कैसा हो रहा है पीछे के साइड जा रहा है इसका लॉन्गिट्यूडल एक्सिस ऐसा है और इसका भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस आपको कुछ इस वैसे देखने को मिलेगा तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे अगर हम क्या कर रहे हैं ये जो एक्सटर्नल लोड है आपने हमेशा सॉम में स्ट्रक्चर एनालिसिस अगर आप लोगों ने मुझसे पढ़ा होगा तो मैं ये बताऊंगा कि जो एक्सटर्नल जो लोड होता है उसको हम हमेशा क्या करते हैं सीजी पे पहले ट्रांसफ़र करते हैं ठीक है तो ये लोड जो है अगर मैं इसको सीजी पे ट्रांसफ़र कर रहा हूं तो कैसा ट्रांसफर होगा ये अगर मैं इस लोड को अगर मैं सीजी पे ट्रांसफ़र किया तो मैं इसको कैसा ट्रांसफ़र करूंगा आप यहाँ पर देखिए तो दो चीजें आएंगी इसके कंपोनेंट्स जो आएंगे वो आपके पास दो कंपोनेंट्स आएंगे कौन कौन से उसके बारे में यहां पर डिस्कस करते हैं ठीक है उसके बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे तो मैं बोल रहा हूं पहला कॉम्पोनेंट ये आया पी का पहला कॉम्पोनेंट इसको उठा के मैंने क्या किया यहां पर रख दिया इसके सीजी से पास करवाने के लिए और अब जो दूसरा जो कॉम्पोनेंट है दूसरा कॉम्पोनेंट क्या आएगा दूसरा कॉम्पोनेंट आएगा ये

डायग्राम आप लोग को यहां पर अच्छे लेवल पे समझ में आ गए होंगे अब यहां पर ये दोनों डायग्राम ना आप लोग काफी अच्छे लेवल पे कंपेयर भी कर लोगे, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी ठीक है तो मैंने इस लोड को यहां पर ट्रांसफर किया ये जो लोड है मैंने इसको यहां पर ट्रांसफर किया तो ये लोड को मैंने यहां पर ट्रांसफर कर दिया अब इसमें ये समझिए कि ये वाला जो देखो मैं बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ ना अब इसका मीनिंग आप लोगों को समझ में आना चाहिए इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ तो मैं ऐसे उम्मीद भी कर रहा हूँ कि आप लोग इसको नोट डाउन भी कर रहे होंगे वरना ऐसा एक्सप्लेनेशन आप लोग को बुक्स वगैरह में देख के नहीं समझ में आता ये चीज़ें ठीक है ये, ये सारी चीजें आप लोग को बुक्स वगैरह में देख के नहीं समझ में आती है ठीक चलिए तो कोशिश किया? किया तो इसके सी अगर मैं पास करवाऊंगा तो एक डायरेक्ट लोड आ जाएगा और दूसरा क्या जाएगा? दूसरा जाएगा यहाँ पर मोमेंट आ जाएगा कितने का दैट इज पी इंटू वी का ठीक अब आप यहाँ पर देखिए अब आप इसको यहाँ पर समझिए ये जो बोल्ट है ये पीछे गए हैं ये जो बोल्ट है ये हमारे पास कुछ इस वे से जा रहे हैं दूसरे मेंबर को भी कनेक्ट करे गए तो जो लोड है वो तो लोड सीजी से पास हो रहा है वेल एंड गुड कोई दिक्कत नहीं है इसमें तभी मैंने यहाँ पर लिखा था क्या तभी मैंने लिखा था यहाँ पर डायरेक्ट लोड है ना टॉपिक में क्या लिखा था मैंने दैट इज डायरेक्ट लोड मैंने यहाँ पर लिखा था प्लस एक मोमेंट के बारे में बात करो अब देखो ये जो मोमेंट है पेन टू वी का तो ये हर बोल्ट पे हर बोल्ट पे यहां पर क्या करेगा मोमेंट लगाएगा ये यह यहाँ पर हर बोल्ट पे यहाँ पर मोमेंट लगाएगा कितने का दैट इज पी इन टू ई का यहाँ पर भी एक मोमेंट लगाया कितने का दैट इज पी इन टू ई का यहाँ पर भी एक मोमेंट लगाया कितने का दैट इज पी इन टू ई का और यहाँ पर भी एक मोमेंट लगाया कितने का दैट इज पी इन टू ई का हर बोल्ट पे यहाँ पर मोमेंट लगा रहे अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो बोल्ट पे जो मोमेंट लग रही है क्या ये बेंडिंग मोमेंट है कि ट्विस्टिंग मोमेंट है अगर आप लोग को यहाँ पर चीजें समझ में आती है क्लियरली तो मुझे यहाँ पर बस इतना बता दीजिए कि जो बोल्ट जो है इस पे जो मोमेंट मैंने यहाँ पर लगाया ठीक है ये जो बोल्ट है इस पर अगर मैं यहाँ पर मोमेंट लगा रहा हूँ तो ये मोमेंट जो है P इन टू e का लेट सपोज अगर ये बोल्ट है ये हमारे पास बोल्ट है और यहाँ पर इस वजह से मोमेंट लग रही है P इन टू e की तो मेरा क्वेश्चन ये है आप सभी लोग से मेरा क्वेश्चन आप सभी लोग से ये है कि जो मोमेंट है ये इस बोल्ट को ट्विस्ट करना चाह रहा है कि ये जो आपके पास मोमेंट है ये इस बोल्ट को बेंड करना चाह रहा है ठीक है सभी लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा तो ये बेंडिंग मोमेंट है कि ट्विस्टिंग मोमेंट है ये मेरा क्वेश्चन है तो सभी लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि जो मोमेंट आप यहां पर देख पा रहे हैं पी इन टू वी का ये मोमेंट ट्विस्टिंग मोमेंट आ रहा है कि बेंडिंग मोमेंट आ रहा है ये जो मोमेंट है ये मोमेंट ट्विस्टिंग मोमेंट आ रहा है कि बेंडिंग मोमेंट आ रहा है सभी लोग कमेंट करके बताएंगे प्लीज है ना सभी स्टूडेंट यहां पर मुझे कमेंट करके बताएंगे ये बेंडिंग मोमेंट है कि ट्विस्टिंग मोमेंट है

ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए जो पहला केस मैंने आप लोग को बताया था वो क्या है, है यहां पर देखने को मिलेगा ट्विस्टिंग मोमेंट का केस आप लोग को यहां पर देखने को मिलेगा ठीक है डायरेक्ट लोड और ट्विस्टिंग मोमेंट का केस आप लोग को यहां पर देखने को मिलेगा ठीक है डन है यहां तक यहां तक सभी लोगों को क्लियर है अब आ जाए वापस क्वेश्चन में क्वेश्चन में वापस आए चलिए आगे बढ़ते हैं ये सारा भी आई होप आप सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा इसको भी ठीक है अब यहां पर देखिएगा क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है और उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन आपके पास इस वे से दिया जाता है क्वेश्चन हमेशा जो आता है वो आपको यहां पर इस वे से दिया जाता है ये आपको एक्सटर्नल लोड दे के रखेगा ये जो है दिस इज एक्सटर्नल लोड विल बी गिवन टू यू एंड यहां पर बोल्ट्स आपके पास गिवन होंगे यहां पर बोल्ट देखे रखेगा और इनका जो सी जो होगा लेट सपोज इनका सी जी यहां से पास हो रहा है ठीक है तो यहां से ये वाली डिस्टेंस देखे रखेगा आप लोग को ये डिस्टेंस आप लोग को दे के रखेगा इसको मैं यहाँ पर एसेंट्रिसिटी ई मान के चल रहा हूँ ठीक है तो क्वेश्चन हमेशा इस वे से आप लोग को देख देखे रखेगा ठीक है अब हम यहाँ पर प्रॉपर इसकी क्या कर रहे हैं एनालिसिस कर रहे हैं अब हम यहाँ पर प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हैं एसेंट्रिक बोल्टेड कनेक्शन की कौन से केस के लिए दैट इज फॉर डायरेक्ट लोड एंड ट्विस्टिंग मोमेंट के लिए तो ये वाला आपके पास पहला स्टेप है तो हमें करना है क्या है हमें यहाँ पर करना क्या है कि हमें इसको सबसे पहले लोड को ट्रांसफ़र करना है ठीक है अब अगर मैं लोड को यहाँ पर ट्रांसफ़र किया तो अभी आपको मैंने समझाया कैसे ट्रांसफ़र करना है उसके बारे में पूरा आप लोग को बता दिया यहाँ पर तो जैसे ही हमने यहाँ पर लोड को ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम यहाँ पर जैसे ही लोड को ट्रांसफ़र किए तो करना क्या सबसे पहले कि लोड को आप यहाँ पर पहले हटा दें ठीक है ये लोड को आप लोग यहां पर हटा दें पहले ठीक है आप यहां पर ये वाले लोड को हटा दें ये लोड को हटाएंगे तो आप यहां पर देखेंगे कि आपके पास क्या लगा है यहां पर यह है हमारे पास लोड एंड दिस इज वॉट दिस इज द ट्विस्टिंग मोमेंट पी इनटू टू ठीक है लोड एंड ट्विस्टिंग मोमेंट आपको यहां पर देखने को मिल रहा है दैट इज पी एंड पी इन टू का अब इसमें आप लोग यहां पर समझिएगा ठीक है अब इसमें आप लोग यहां पर समझेंगे कि दो चीज निकालना है सबसे पहले पी के कारण के कारण मुझे इंडिविजुअल बोल्ट पे पी के कारण मुझे यहां पर इंडिविजुअल इंडिविजुअल बोल्ट मुझे क्या करना है हाँ यहां पर डायरेक्ट लोड निकालना है पी के कारण मुझे यहां पर इंडिविजुअल बोल्ट पे हर एक बोल्ट पे हर एक बोल्ट मुझे यहां पर डायरेक्ट डायरेक्ट शेयर फोर्स निकालना है ठीक है तो P क्या है P इज द डायरेक्ट लोड P इज वॉट P इज द डायरेक्ट लोड और इसके कारण हम यहाँ पर इंडिविजुअल बोल्ट पे हम एफ डी की वैल्यू निकालेंगे दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट शेयर फोर्स ठीक है इंडिविजुअल बोल्ट पे हम यहाँ पर एफ डी की वैल्यू निकालेंगे दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट शेयर फोर्स अब टोटल लोड अगर मान लीजिए लेट सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ टोटल लोड पी की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है टोटल लोड मैंने बोला है यहाँ पर पी की वैल्यू है हंड्रेड किलो न्यूटन और मैं बोल रहा हूँ नंबर ऑफ़ बोल्ट यहाँ पर चार है नंबर ऑफ़ बोल्ट यहाँ पर चार है तो मुझे यहाँ पर बताएंगे एफ की वैल्यू कितनी आएगी टोटल लोड अगर हमारे पास हंड्रेड किलो न्यूटन है चार बोल्ट अगर यहाँ पर लगे हुए हैं तो सभी लोग कमेंट करके बताइएगा यहाँ पर एफ की वैल्यू कितनी आएगी है ना ये आप लोग से क्वेश्चन है आप लोग से ये क्वेश्चन है कमेंट करके बताएंगे मुझे टोटल लोड अगर हमारे पास सौ का लग रहा है इंडिविजुअल बोल्ट पे अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि डायरेक्ट डायरेक्ट शेयर फोर्स की वैल्यू बताएं तो कितनी आ रही है फॉर्मूला नहीं पता मुझे मुझे यहां पर आप लोग बताएंगे इसका आंसर कितना है अगर मैंने बोला टोटल लोड यहां पर 100 किलो न्यूटन का लग रहा है तो यहां पर नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने हैं चार तो इंडिविजुअल बोल्ट पे डायरेक्ट शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी व्हाट इज एफडी एफडी इज द डायरेक्ट शेयर फोर्स एफडी इज व्हाट एफडी इज द डायरेक्ट शेयर फोर्स कमेंट करके इसका आंसर कितना आ रहा है चार बोल्ट लगे हैं यहां पर है ना चार बोल्ट यहां पर लगे हैं P की वैल्यू है दैट इज हंड्रेड P की वैल्यू आ रही है हंड्रेड तो कमेंट करके बताइए यहां पर आंसर कितना आ रहा है ठीक है यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये जो चारों बोल्ट हैं मैं बोल रहा हूं सेम एरिया के एरिया आपके पास सेम ही देके रखेगा अगर एरिया डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे तो वो अकॉर्डिंग टू द क्रॉस सेक्शन वो क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा अगर सभी के एरिया सेम होंगे वो जो कि हमेशा आपको क्वेश्चन में वैसे ही देखने को मिला है तो अकॉर्डिंग टू द आपके पास एरिया का होगा यहां पर आपके पास इक्वली वहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ठीक है तो टोटल तो तो अगर लोड हंड्रेड है सभी के क्रॉस सेक्शन यहां पर सेम है तो एफ डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी एफ डी हो जाएगा हमारे पास दिस इज द डायरेक्ट शेयर फोर्स है ना एफ डी जो होगा यहां पर इट इज द डायरेक्ट डायरेक्ट शेयर फोर्स ड्यू टू दिस इज द डायरेक्ट शेयर फोर्स इन ईच बोल्ट लिखेगा इन ईच बोल्ट ड्यू टू एक्सटर्नल लोड या फिर लिख सकते हैं ड्यू टू डायरेक्ट डायरेक्ट लोड पी ठीक है तो एफ डी क्या है दिस इज द डायरेक्ट शेयर फोर्स इन ईच बोल ड्यू टू डायरेक्ट लोड पी तो एफ डी की जो वैल्यू आएगी एफ डी की वैल्यू आ जाएगी दिस विल बी इक्वल्स टू पी अपॉन एन है ना पी अप ऑन एन कब होगा आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं वन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ऑल द बोल्स आर सेम है ना और जनरली हम यहाँ पर ऐसी कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं कि अगर हम एम ट्वेंटी फाइव बोल रहे हैं एम ट्वेंटी बोल रहे हो तो जनरली हम लोग सेम डायमीटर के बोल्ड्स हम लोग वहाँ पर लगाएंगे अलग अलग डायमीटर के बोल्ड्स जो रहता है वो थोड़ा सा स्पेशल केस में रहेंगे वो उतना हमें डीप में जाना नहीं है ठीक तो एफ डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी दिस विल बी गोस टू पी बायन जैसे कि मैंने आप को एग्जाम्पल में बताया था कि पी की वैल्यू अगर हंड्रेड किलो न्यूटन थी नंबर ऑफ बोल्ड्स अगर हमारे पास चार हैं तो इंडिविजुअल बोल्ट पे

ये ट्विस्टिंग मोमेंट के कारण हर एक बोल्ट पे जो टॉर्शनल शेयर फोर्स आएगा ठीक है ट्विस्टिंग मोमेंट के कारण हर एक बोल्ट पे जो टॉर्शनल फोर्स आएगा उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ठीक है तो हमने पहला क्या डिस्कस किया सबसे पहले कि डायरेक्ट लोड के कारण हर एक बोल्ट पे इंडिविजुअल बोल्ट पे क्या हो रहा है यहां पर डायरेक्ट शेयर फोर्स आ रहा है लेकिन सिमिलरली ट्विस्टिंग मोमेंट के कारण हर एक बोल्ट पे क्या होगा यहां पर टॉर्जनल शेयर फोर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ठीक है तो सेकेंड वाला जो केस है उसके बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग निकालेंगे वैल्यू एंड वॉट इज एफ टी एफ इज द टॉर्चनल शेयर फोर्स एफ टी इज द टॉर्चनल टॉर्चनल शेयर फोर्स ड्यू टू ड्यू टू ट्विस्टिंग मूवमेंट टॉर्चनल शेयर फोर्स ड्यू टू ट्विस्टिंग मूवमेंट

ये जो एफ की जो वैल्यू है आप यहां पर इसमें से निकाल सकते हैं सर ये वाला फॉर्मूला कैसे आया तो आप जब भी टॉर्जन पढ़ेंगे सोम में मैंने आप लोगों को बताया था the, पापा सारे फॉर्मुले सारी चीजें वहीं से डिराइवन तो में आप लोग एक यहां पर फॉर्मुला पढ़ते हैं जी अपॉन एल को हटा दीजिएगा और यहां से आप लोग यहां से आप लोग क्या करते हैं इस फॉर्मूले को आप लोग यहाँ पर डिराइव करते हैं डेरिवेशन इज़ नॉट दैट मच ऑफ इंपॉर्टेंस अभी के लिए क्योंकि यहाँ पर मैं एकदम इन डेप्थ आप लोग को नहीं पढ़ा सकता यूट्यूब में इसके लिए मैं आप लोग को पेड वेड में आप लोग को पूरा डिराइव करके बताऊंगा लेकिन अभी जो काम की चीज है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे ठीक है तो हम यहाँ पर ये यह सॉन्ग के इस फॉर्मुले से टॉर्जन वाले फॉर्मुले से हम क्या करते हैं यहाँ पर डिराइव करते हैं तो ये आगे हमारे पास क्या दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ टी अब यहाँ पर देखिएगा ये एफ टी हो क्या रहा है बेसिकली तो मैंने बोला ये जो बोल्ड्स जो थे बोल्ड ग्रुप जो था वो बोल्ड ग्रुप कैसा था वो इस वे से था ये क्या है दिस इज द बोल्ड ग्रुप अब मैं यहां पर बोल रहा हूं दिस इज व्हाट दिस इज द सीजी ये आ गया हमारे पास दैट इज सीजी

टोर्चिनल शेयर फोर्स आपके पास क्या होगा एग्जर्ट होगा अगर मैं इस पूरे पूरे सिस्टम को अगर मैं यहाँ पर ट्विस्ट करने की कोशिश करूंगा तो उस मोमेंट के कारण हर एक इंडिविजुअल बोल्ट पे क्या होगा एक टॉर्चनल शेयर फोर्स वहां पर क्या होगा अप्लाइड होगा ठीक मैं बोल रहा हूँ जैसे ही मैंने यहाँ पर ट्विस्ट करने की कोशिश किया तो ये जो सी जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर और इस बोल्ट का जो सी होगा इस डिस्टेंस को मैं बोलूंगा दिस विल बी बीव टू आर ठीक है इसको मैंने क्या बोला दिस विल बी बीवस टू आर वन इसको हम बोल रहा हूँ दिस विल बी इक्वल्स टू आर वन ये आ गया हमारे पास आर वन दिस इज आर वन सेकेंड वाला आप यहाँ पर देखेंगे ये सीजी से जो दूसरा वाले बोल्ट का जो सीजी होगा इसको हम बोलूंगा दिस विल बी इक्वल्स टू आर टू थर्ड वाले बोल्ट का आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी दिस विल बी इक्वल्स टू आर एंड फोर्थ वाला आप यहाँ पर देखेंगे तो यहां से इसकी जो सी जी की डिस्टेंस होगी क्या है? रेडियल डिस्टेंस ठीक है R क्या है? सी जी ऑफ द बोल्ट ग्रुप टू द इंडिविजुअल बोल्ट टू सी.जी ऑफ द इंडिविजुअल बोल्ट ठीक अब यहां पर जो एफ डी जो होगा वो एफ डी आप यहाँ पर सॉरी एफ टी है ना हम यहाँ पर टॉर्शनल शेयर फोर्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं मैंने आप लोगों को बताया कि एफ टी की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी तो ये जो सी जी की जो हमारे पास डिस्टेंस आ रही है ना इसके परपेंडिकुलर होगी सी जी की जो डिस्टेंस आ रही है इससे क्या होगी हमारे पास परपेंडिकुलर होगी इसको याद रखिएगा आप लोग ठीक है ये जैसे हमारे पास सी जी है इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एफ टी सिमिलरली सी जी से हमारे पास ये वाली जो डिस्टेंस आई ये आगे हमारे पास दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एफ टी यहाँ से आप देखेंगे इसके जो परपेंडिकुलर आ रहा है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एफ टी इज द डायरेक्शन ऑफ एफ टी ठीक है तो ये आप देखेंगे कि जो डायरेक्शन हमने यहां पर दिया टोर्जिनल शेयर फोर्स का वो डायरेक्शन आप यहां पर किस वे से बना सकते हैं उसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया अब आप देखेंगे कि टोटल ट्विस्टिंग मूवमेंट कैसा था ये जा रहा था क्लॉक वाइस इसलिए हम यहां पर इंडिविजुअुअल जब मैं ट्विस्टिंग फोर्स दिखाऊंगा तो वो भी क्लॉक वाइस ही होनी चाहिए तभी यहां पर हम बोलेंगे कि जैसा हमने मोवमेंट दिया उसी का इफेक्ट हर एक इंडिविजुअल बोल्ट में देखने को मिल रहा है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ऊपर ही बना सकता था यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस में यहाँ पर ऊपर या फिर नीचे ही मैं बना सकता था लेकिन वो अपोज हो जाएगा रेजिस्टिंग हो जाएगा दिस इज नॉट द रेजिस्टिंग फोर्स दिस इज एक्चुअली द फोर्स दैट दैट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द एक्सटर्नल मोमेंट अगर मैं मोमेंट दे रहा हूं अगर मैंने यहाँ पर मोमेंट दिया तो इंडिविजुअल हर पॉइंट में कहीं ना कहीं तो शेयर फोर्स लग रहा है ना फोर्स के कारण ही तो क्या आता है हमारे पास मोमेंट आता है आपको पता होगा मोमेंट की वैल्यू क्या होती है दट इज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो अगर मैं मान लीजिए मैं यहाँ पर लेट सपोज एक ट्रक का ड्राइवर है अगर वो ट्रक के ड्राइवर ने क्या किया यहां पर उसको ट्विस्ट किया ठीक है स्टेयरिंग को तो इंडिविजुअल हर पॉइंट में एक टेंजेंशियल शेयर तो वहां पर बनी रहा है ना तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज टॉर्चनल शेयर फोर्स ठीक है force, तो हमेशा याद रखिएगा अगर ये क्लॉक वाइज से एक्सटर्नल लोड तो उसके कारण जो कॉम्पोनेट आ रहे हैं यहाँ पर शेयर फोर्स के वो भी कैसे होंगे यहां पर क्लॉक वाइज के डायरेक्शन में ही होंगे कोई भी आपके पास टोर्चनल शेयर फोर्स जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ एफ डी है ना और निकालना कैसे आप लोग को ये भी मैंने यहां पर बता दिया एफ डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी दैट विल बीस टू पी बाय सिमिलरली एफ टी आपको किसी भी एक बोल्ट पे आपको पूछा जाएगा वन पे निकालो टू पे निकालो या फिर जहां पर आपको मैक्सिमम मिल रहा है टॉर्शनल शेयर फोर्स ऑफ वाली वैल्यू आप लोग यहाँ पर निकालेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी दैट इज की वैल्यू हो जाएगी पी इंटू आर डिवाइडेड ऑफ आर का स्क्वायर तो यहां तक समझ में आया कि नहीं है किसी को यहां तक कुछ भी डाउट है तो आई एम ओके टू रिपीट एनी पॉइंट अगर आप लोग को किसी एक को भी डाउट है तो यहां तक सभी लोग को समझ में आया कि नहीं आया कमेंट करके बताएंगे मुझे <coughs> समझ में आया सबको कि नहीं आए और नो यहाँ तक क्लियर है सभी लोग को आगे बढ़े आगे बढ़ेंगे चलिए तो हमने यहाँ पर दो चीज़ें देख ली एक बार पूरी चीज़ को एक बार यहाँ पर अगर मैं कंबाइन कर दूं तो मैं सिर्फ मेंबर सेकंड वाला दिखा रहा हूँ यहाँ पर और थोड़ा सा बड़ा सा मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ ठीक है यहां पर देखिएगा ये जो चार बोल्ट आप लोग यहां पर देख रहे हैं ठीक है यहां पर आप लोग देखिए हर एक इंडिविजुअल बोल्ट पे हर एक इंडिविजुअल बोल्ट पे क्या आया हर एक इंडिविजुअल बोल्ट पे सबसे पहले आया दैट इज डायरेक्ट लोड सबसे पहले आया दैट इज डायरेक्ट शेयर फोर्स सॉरी डायरेक्ट शेयर फोर्स इसको हम लोग रिप्रेजेंट करें किससे? इसको हम पर करें, डी से इसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट किया ठीक है सीजी कहां पर था इसका इसका सी जी था यहां पर अब मैं बोल रहा हूं हर एक हर एक बोल्ट पे सी जी के परपेंडिकुलर क्या आया यहां पर हर एक बोल्ट पे हमने यहां पर ये यह देखा अरे हर एक बोल्ट पे हमने यहां पर ये देखा यहां पर टॉर्जनल शेयर फोर्स हमने यहां पर देखा ठीक है हर एक बोल्ट पे हमने यहाँ पर देखा दैट इज टॉर्शनल शेयर फोर्स एफ टी की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली ठीक है एफ टी की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली अब हमें क्या करना है दो फोर्स आए हमारे पास है ना लोड हमारे पास दो आया दैट इज एक आया एफ डी और एक आया दैट इज एफ टी हमें करना क्या है ये दो को हमें इसका रिजल्टेंट लेना है दो हमारे पास जो लोड शेयर फोर्स जो है इनका हमें रिजल्टेंट को फाइंड आउट करना है इनका हमें यहाँ पर रिजल्टेंट को फाइंड आउट करना है जिसको मैं एफ आर से रिप्रेजेंट करूं तो हर एक बोल्ट का जो रिजल्टेंट जो आएगा ना वो आएगा कुछ है। ये FD दिस इस F, T, तो, ये पर, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा यहाँ पर दैट इज एफ आर ठीक है ये आ जाएगा यहाँ पर दैट इज एफ आर ये आ जाएगा यहाँ पर दैट इज एफ आर ठीक है तो हमें यहाँ पर ये रिजल्टेंट रिजल्टेंट लोड की वैल्यू हमें यहाँ पर या फिर रिजल्टेंट शेयर फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अब ये रिजल्टेंट शेयर फोर्स की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे तो यहां पर जो रिजल्टेंट शेयर फोर्स होगा यहां पर ये जो रिजल्टेंट शेयर फोर्स होगा रिजल्टेंट यहां पर जो शेयर फोर्स होगा एफ आर दैट विल बी अंडर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ एफ डी का स्क्वायर प्लस एफ टी का स्क्वायर

आर क्या है आर आपके पास इंडिविजुअल बोल्ट का सी से डिस्टेंस है रेडियल डिस्टेंस यहां पर दे रखा है लेट सपोज अगर आपसे पूछा कि मैक्सिमम कहां पर आ रहा है तो मैक्सिमम आप लोग यहां पर देखेगा जो सी जी सबसे ज्यादा दूर है तो सी जी सबसे यहां पर तो चारों सेम है तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट दिस इज आर वन तो आर वन आप लोग यहां पर निकाल लीजिए क्वेश्चन में गिवन होगा नहीं भी गिवन होगा तो लेट सपोज यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस तो देख ही रखा होगा तो वहां से आप लोग हाइपोटेनियस निकाल लीजिएगा ठीक है तो आर वन की वैल्यू आ जाएगी सिमिलरली यहां पर भी 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 आप 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 लोग 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 निकाल निकाल लेंगे। Similarly, आप यहां से निकाल लेंगे। Similarly, आप यहां से से की आउट कर लेंगे ठीक है? तो R1, suppose, अगर मान ले, मान लीजिए आ गया वैल्यू तो कितनी पुट करेंगे यहां पर? 5. और यहां पर summation of R2 कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा दैट इज फाइव का स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर है ना दिस इज फॉर बोल्ट नंबर वन दिस इज फॉर बोल्ट नंबर टू बोल्ट नंबर थ्री एंड दिस इज फॉर बोल्ट नंबर फोर तो ये आ जाएगा ऑफ आर आई का स्क्वायर इसको आप लोग पर पुट कर लीजिएगा ठीक है ठीक है इसको आप लोग पर पुट कर लीजिएगा इसको आप लोग पर पुट कर सकते हैं शिल्पा बोल रही है सर हाउ टू कैलकुलेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ए बोल्ट मैंने बताया था शिल्पा बोल्ट जो होता है टेंशन में फेल नहीं होता है मेनली वो शेयर में फेल होता है जिसमें कभी कभी ऐसा भी होता है बियरिंग में फेल हो जाता है लेकिन वो टेंशन में फेल नहीं होता लेकिन अगर आप लोग को उसको लिए भी चेक करना है तो आप लोग कर सकते हैं डेफिनेटली उसका फॉर्मूला जो होगा मैं जब क्वेश्चन आप लोग करवाऊंगा ऐप में या फिर लाइव क्लास में तो मैं आप लोग को उससे भी चेक करके बता दूंगा ठीक है वहाँ पर हम लोग ग्रॉस यील्ड एरिया हम लोग वहाँ पर लेते हैं ठीक है तो उसकी भी जो वहाँ पर आई एस कोर्ट में एक बार देख लीजिएगा पॉइंट नाइन इंटू ए जी इंटू एफ वाई अपॉन समथिंग उसकी यहाँ पर वैल्यू गिवन होगी तो उससे भी आप लोग चाहो तो कंपेयर कर लीजिएगा बट कभी भी बोल्ट जो होता है टेंशन में फेल नहीं होता

और ये दो डिफरेंट डिफरेंट शेयर फोर्स है इसके कारण हमने क्या किया यहाँ पर एक रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड आउट किया थीटा थीटा क्या है थीटा कुछ नहीं FD और FD के बीच का एंगल है क्वेश्चन एक आध भी हम क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पर आप को बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी तो क्वेश्चन में आप लोग को लाइव क्लास में सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग करवा दूंगा ठीक है लाइव क्लास जो होगी वो ऐप में होगी मैंने आप लोग को पहले ही बताया है कि ऐप में लाइव क्लास होगी तो मैं उसमें सारे के सारे आप लोग के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ न्यू क्वेश्चन जो कि गेट 2024 के लिए एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि हाँ यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाएगा तो वो क्वेश्चंस मैं आप लोग को लाइव क्लास में करवाऊंगा ठीक है तो करना क्या रहेगा आप लोग को अगर क्वेश्चन सीरीज वाला कोई भी आपको फीस वगैरह कर नहीं करनी है आप नॉर्मली यहाँ पर जो लाइव क्लास का जो एक्सपीरियंस है एक बार आप लोग देखे देखेगा यूट्यूब से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर ऐप का लिंक होगा वो लिंक को डाउनलोड कर लीजिएगा मैंने सारी चीज़ प्रैक्टिस आप लोग को मैं इसी में करूँगा ठीक है यहाँ पर आप लोग सिर्फ कंसेप्ट के नोट्स आप लोग बना सकते हैं एंड जो क्वेश्चन जिसके थ्रू आप लोग को सारा चीज़ें समझ में आ जाएगा कि भाई कहाँ पर क्या लेना है थीटा कितना लेना है एफ में आर पी इंटू ई कोई यूनिट्स कैसे रखना है नंबर ऑफ अगर हमारे पास बोल्ट्स हैं तो उसको हम कैसे पुट करेंगे यूनिट्स थीटा सारी चीज़ें हम वहाँ पर क्वेश्चन हम जब सॉल्व करेंगे तब आप लोग को बहुत ही अच्छे लेवल पर क्लियर हो जाएगा ठीक है तो आप लोग करिएगा क्या डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन का आ, वहाँ पर ऐप का लिंक होगा वो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए बहुत बढ़िया लेवल पे हम क्या करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन हम वहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को पहले बता दूंगा कि कब हम लोग वहाँ पर लाइव क्लास रखें फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी आपको फीस वगैरह पे नहीं करना है फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग वहाँ पर क्लास अटेंड करिएगा मज़ा आ जाएगा तीन घंटे का सेशन होगा पूरा का पूरा यहाँ पर कनेक्शन हम वहाँ पर निपटा देंगे ठीक है तो अभी यहाँ पर हमने बोल्टेड कनेक्शन को पूरा रैप अप किया है ठीक है जितनी चीजें मैं यहां पर बताया हूं आप यहां पर आराम से इतना ही कर सकते हैं सर आई हैव अनदर क्वेश्चन रिगार्डिंग प्लास्टिक एनालिसिस कुड आई आस्क प्लास्टिक एनालिसिस बस मेरे को वेल्डिंग पढ़ाने दो आप वेल्डिंग पढ़ाने के बाद मैं आप लोगों को प्लास्टिक एनालिसिस करवाऊंगा तब वहां पर मेरे से पूछ लीजिएगा जो भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछना होगा ठीक है प्लास्टिक एनालिसिस मैं लास्ट में भी पढ़ाऊंगा प्लास्टिक एनालिसिस में आपको सेकंड चैप्टर में ही पढ़ा दूंगा इसके बाद दिस इज दिस इज गोइंग द फर्स्ट चैप्टर चल रहा है यहां पर प्लास्टिक एनालिसिस में सेकंड में पढ़ा दूंगा तो आप वहां पर देखिएगा मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा डोंट वरी अबाउट एनीथिंग

इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया लेकिन उससे पहले मैंने आप लोग को बताया था कि ये केसेस जो हैं डिफरेंट डिफरेंट व्यू आप लोग को समझा के बताया था कि कैसे दिस इज द टॉप व्यू है ना तो आप एक मेंबर से दूसरे मेंबर कनेक्ट किए विद द हेल्प ऑफ बोल्ट तो अगर हम यहाँ पर लोड लगा रहे हैं है ना इस डायरेक्शन में लोड लगा रहे हैं तो ये बोल्ट के क्या करेगा इस इस वे से ट्विस्टिंग मोमेंट यहाँ पर फॉर्म करेगा सिमिलरली अगर मैं इधर लोड लगा रहा हूँ तो ये बोल्ड के क्या करेगा इस वे से यहाँ पर क्लॉकवाइज क्या करेगा ट्विस्टिंग मोमेंट फॉर्म करेगा And अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो इसके पीछे साइड में है ना साइड के उस साइड में एंड पे क्या करेगा पर लोड लगाएगा तो वो मोमेंट जो है आप लोग को यहाँ पर मैं समझाया था जिसमें से क्वेश्चन में हमेशा ये फ्रंट व्यू आप लोग को दिया रहेगा ठीक है थेके? इतने सारे बोल्ट नहीं रहेंगे मुश्किल से चार पांच बोल्ट आपके पास गिवन होंगे तो ये फ्रंट व्यू आप लोग के पास गिवन होगा तो ये लोड लग रहा है इस लोड को मैंने ट्रांसफर किया ट्रांसफर किया तो यहाँ पर एक डायरेक्ट लोड लगा एक ट्विस्टिंग मोमेंट लगा डायरेक्ट लोड के कारण हर एक बोल्ट पे डायरेक्ट लोड के कारण हर एक बोल्ट पे एक डायरेक्ट शेयर फोर्स आएगा जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी दैट विल बी ग्स टू पी अपॉन एन के बराबर इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट शेयर फोर्स क्रॉस सेक्शन अगर सभी का सेम रहा बोल्ट का तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा पी अपॉन एन क्रॉस सेक्शन अगर डिफरेंट रहा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उसके बारे में हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे आगे जाके पेड वगैरह में मैं करूँगा लेकिन अभी तक क्वेश्चन आया नहीं लेकिन है लेकिन एक्सपेक्टेड आई ए से हम कुछ भी एक्सपेक्ट चल सकते हैं कहीं से भी आपके पास देखने को मिल सकता है क्वेश्चन तो दिस सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो मैंने मोमेंट लगाया अब ये मोमेंट जो टॉर्शनल शेयर टॉर्शनल मोमेंट ट्विस्टिंग मोमेंट जो है वो हर एक बोल्ट पे क्या करेगा यहां पर टॉर्शनल शेयर फोर्स एक्जर्ट करेगा तो टॉर्शनल शेयर फोर्स एफ की वैल्यू मैंने बताया वो कितनी होगी पी इन टू एंटू आर आई सब ऑफ आर स्क्वायर के बराबर आर क्या है रेडियल डिस्टेंस है फ्रॉम द सीजी हर एक बोल्ट का अगर आपसे पूछा आप यहाँ पर टॉर्शनल शेयर फोर्स वन का निकाले तो आर आई की जगह ये वाली डिस्टेंस पुट करेंगे डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ आर आई का स्क्वायर मतलब आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर प्लस आर थ्री का स्क्वायर प्लस आर फोर का स्क्वायर पी और ई आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा ठीक तो यहां से हम लोग एफ टी की वैल्यू निकाल लिए अब मैंने डायरेक्शन जो बताया दो फोर्सेस का एफ टी और एफ टी एंड दिस वॉज द रेडियल डिस्टेंस इनके बीच में आएगा क्या दैट इज रिजल्टेंट फोर्स अब वो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मला क्या है एफ का तो वो ये वाला फॉर्मूला ठीक है एफ की वैल्यू कितनी है दैट इज अंडर रूट एफ डी स्क्वायर एफ टी cos थेटर ठीक है तो पूरा का पूरा यहाँ पर क्या है ये आ जाएगा हमारे पास दैट इज एफ की वैल्यू तो सभी को समझ में आया कि नहीं आया यहाँ पर किसी को कुछ भी डाउट है आप लोगों को क्लियर हुआ ये वाला सेशन कि नहीं हुआ कमेंट करके बताएंगे एक बार एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएं यहां तक सभी लोग को समझ में आया कि नहीं आया डन चलिए तो सभी लोग यहां पर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए बाकी हम जो क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस जो करेंगे हम ऐप में करेंगे तो आई होप कोई भी ऐसे स्टूडेंट ना हो जो ऐप को डाउनलोड नहीं किया होगा डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी आप सभी लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है चलो फिर बाय बाय एवरीवन टेक केयर एंड यू